मधुरी सुना दो तान, मधुरी सुना दो तान।
प्यारो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। वारकाधीश की मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेके प्रकट हुए। देवताओं ने वो घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। जो भगवान तो भगवान ने कहा अब शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। जिस देवते के हाथ में सबसे पहले अमृत का कुंभ आया था वो कहने लगा वही पहले पिएगा। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा। और फिर सभी देवते इस बात को लेके एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन देवतियों की भांति ग्रह क्लेश होने लगता है उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत व भक्ति अमृत नहीं मिल पाता है। झगड़ते हुए देवतियों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेके प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर देवते चकरा गए। आह क्या सौंदर्य है मोहिनी। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोह नहीं में आ सकते उसे अमृत नहीं मिलता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है वही वस्तु संभव है किसी को सुंदर ना भी लगे। सौंदर्य आंखों में वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ दिखता है सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहनी का मुंह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता है। जो संसार की मोहनी में सौंदर्य और विषयों के मुंह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता है। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहनी का मुंह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में से मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति बलवती नहीं होती है। भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध भी नहीं हो पाती है। सांसारिक विषयों का मुंह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय आसक्ति घटने लग जाती है। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा। आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। देती कौन है। राह पर चलते हुए किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही देती है। जो परिस्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। कामातुर देवताओं ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे देवी तुम कहाँ से आई हो। तुम्हारा गांव कौन सा है। तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं। मोहिनी की माया में देत्य सुदबुद खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे इन देत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं मेरा तो कोई कई घर है। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ। नरसिंह मेहता के घर भी जाती हूँ। वैष्णवों के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के ही हैं। तो देवते वे मूर्ख थे अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस देवते के हाथ में अमृत का कुंभ था वो ललचाई हुई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा इस घड़े में क्या है। तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है। जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य नहीं है। देवते ने वो घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला देवी जी बांटेगी और हम शांति से पियेंगे हाथ जोड़ के बैठेंगे झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठला दिया और पहले देवतियों के पास जाकर उनसे कहा मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ किंतु वो ऊपर का जो अमृत पानी जैसा है अदो से देवों को पिला दूं और नीचे का जो अच्छा अमृत है वो आपको पिलाऊंगी ठीक है ना। बेचारे मुहांद देते हुए कहने लगे अच्छा अच्छा नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मुहांद होकर बुद्धि गवा बैठे थे। अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है। देवतियों ने कहा देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करे। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद देवते घबरा कर सोचने लगे इस बात में छल दिखाई देता है। देवते राहु ने सोचा
कि इसमें कुछ न कुछ कपट है, इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ऐसा सोचता हुआ वो देव पक्ष में जा बैठा, जिसे अपना भाग गमाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई ये दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु से राहु को भी अमृत दे दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो, जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नाम का रोग हो जाता है, और जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता है। ये भी तो सोचो, जब इंद्र आदि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वहां राहु आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालना नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वो विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता है, अतः विषय रूपी राहु बिगड़ डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अतः सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए। किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु नहीं मरता है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो, अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है, जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता है। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषय होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषय नहीं हो सकता है। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती है, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से विषयाशक्ति और विषय अनुरागीता में से मन निवृत्त हो पाता है। देते भगवान से विमुक्त है तो उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा देत्यों के आगे रख दिया। देत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट, विष्णु तुम साड़ी पहन के आए, तुम्हें लाज भी नहीं आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ, देत्य पराजित हो गए और मोहनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही देत्य है। संसार की मोहनी में फंसने वाला देत्य है। देत्य के श्रम और तप संसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। राम और हिरण्यकश्यपु ने क्या कम तपस्या की थी, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु ही था, भगवान के हेतु नहीं था। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा कि आपने नारायण के मोहनी रूप का दर्शन किया, तो शिव जी मोहनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा मैं आपके मोहनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा आपने तो काम दहन किया है फिर भी ऐसा मोह क्यों है। शिव जी ने कहा मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, इस मोहनी अवतार को भी देखना चाहता हूँ। शिव जी अनादि और अनंत है, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की, एक सुंदर उद्यान, उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने ये देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है। किंतु शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा गया है देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्त्यया मामी भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो नायास इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देह बांध भूल गए, दर्शन करने वाला देह बांध भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं जब मात्र दर्शन से इतना आनंद मिलता है तो मिलन से तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलना तुर होकर दौड़ पड़े, वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही है। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है, मन का कभी भरोसा मत करो, ये माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी
जिसका कोई पता नहीं है मैं जितेंद्र हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं, और माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए हैं, फिर आज तो कलयुग है, कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोनी के मुँह से बचा सकता है। सातवें मनमंत्र में श्राद्धदेव नाम के मनु हो गए, उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ था। परीक्षित राजा कहते हैं सातवें मनमंत्र के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उसे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है, शुक्र शक्ति तत्व से ये शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे, शुक्राचार्य था संयम, ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्री बना, बलवान बना। बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का प्रभाव किया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तागत कर लिया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगु कच्छ बड़ोच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया, बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया। तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वो नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति ने दुख संतप्त होकर कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसे सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप किया अत्याधिक सेवा करके वर मांगा, मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि देवी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति जिनका सिर छत्र है उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप उसे मारता है, भगवान नहीं। देते अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते हैं। अतः भगवान शक्ति से नहीं युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयो व्रत करो, फाल्गुन मास में ये व्रत करना। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप से आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करे तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगो है योगी नाम, उन्हें योग साधना नहीं करनी पड़ती है, उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का बल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ी हो गई है। आजकल के वर राजा को डर लग रहा है कि घोड़ा कहीं गिरा न दे, तो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो 11 घोड़ों को, पांच कर्मेंद्रियां, मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। ग्रस्त को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से ग्रस्त आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है वो आनंद ग्रस्त घर में पा सकता है, किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्र में ग्रस्त आश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है और जो निंदा की गई है वो तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा है, ग्रस्तों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है तो श्रेष्ठ तो है, किंतु ग्रस्त भी साधारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वो बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम
श्रेष्ठ था, दिव्य था, ये पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपस्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की माती पयोव्रत करे, उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उनके घर में जन्म लेने के लिए तैयार है। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने, तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ आश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी, तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य जी ने सत श्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु उस देह के सौंदर्य का कारण भूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करते हैं। जगत नहीं बिगड़ा, मन बिगड़ गया है, तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देती है, किसी का भी बायाकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में उन्हें अष्टावक्र पधारे, उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देख करके लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि राजा आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख और चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, ये तो है ही मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देख के हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो, परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दीति भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि है। ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। दीति भेद बुद्धि राक्षस को जन्म देती है, जैसे कि नाक्ष और नाकशपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेकों में एक अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए गणपति थे और एक सोने का चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हो गए, उन्होंने सोचा मेरे बाद ये शिष्य मूर्तियों को लेके शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। ये दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की, चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई गणपति तो देव है, चूहा तो जंतु है, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते हैं, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है, और जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेगी। अदिति ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिल जाते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से अनेक बने हैं। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से ही अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक परमात्मा है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होगा, उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हो जाता है, सो वह स्वप्न में भी रुपये पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो, पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में तथा ध्यान में पैसा है, वो हर स्थान पर पैसा ही देखता है। एक सेठ कश्मीर गया, वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में ये भाव तो नहीं आया, इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल थल आकाश पाताल सभी में व्यक्त रूप से
अभ्युक्त रूप से विराजमान है। अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो, दृष्टि भगवानमय होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपियां की दृष्टि परमात्मा में थी, वो जहाँ जाती थी कभी एकाही उन्हें दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियां को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियां ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेशा लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो हैं, और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियां की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखा तित श्याम मई, जित देखो तित श्याम मई, जित देखा तित श्याम मई, जित देखो तित श्याम मई। क्यों? क्यों ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता है। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो पश्यक होगा। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर, पश्य का अर्थ है देखना। ता सभी में एक ईश्वर को देखना, एक सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है, बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थ आश्रम में कामाशक्ति द्रव्याशक्ति विषयाशक्ति बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वरमयी है। संसार में ही सुख है ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि संसार के विषय में ही सच्चे सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है? विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। वह यही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग का भी
सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वयं चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता है। गोपियां जानती नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया मेरी संग में ही है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है, क्यों? कि वो ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता है। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो पश्यक होगा। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर, पश्य का अर्थ है देखना। सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है गृहशक्ति। गृहस्थ आश्रम में कामाशक्ति, द्रव्याशक्ति, विषयाशक्ति बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वरमयी है। संसार में ही सुख है ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि संसार के विषय में ही सच्चे सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है और यही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वयं चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य ज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता है। अंदर का निराकार बाहर का साकार स्वरूप एक होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही वंदन किया, स्तुति की, जगतपति हे लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो, मेरे स्वरूप का आप अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद ने अदिति शब्द बार बार आया वेद में। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वो मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, नव मास पूर्ण हुए और तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता है। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान्ह काल में माता अदिति के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा है, उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा है। बोलिए वामन भगवान की जय। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देवी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ, आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है, आज से वो अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया है। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेदभीत सेवा है, मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हरेक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते ही नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता है। लोग सभी संस्कार भूल गए हैं, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से रहा नहीं जाता है। संस्कार का लोप होने के कारण आधार्मिक
अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैतरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है, उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को छिन्नू बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित छिन्नू हजार मंत्र है, उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1,00,000 हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा, उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु, इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और आमंत्रित करती है गायत्री देवी। ये दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो ये संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः उसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए और इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़ के चले जाते हैं, संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, तो प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी का भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, दर्ति ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला, तब कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मणों को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया था कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट हो जाता है, मध्यान्ह की संध्या से अंजल का दोष नष्ट हो जाता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी भारी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अग्मर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हो और सूर्यनारायण का उदय नहीं हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है और सूर्योदय के बाद की संध्या अदम संध्या कही जाती है। बृहस्पति जी ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है, इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्र उपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हो गई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी की काष्ठ मूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। न स्पर्शेत दाढ़मीवपी, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि न करो, इनमें काम का वास होता है। ये नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। परिस्त्री को माता के समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने परिस्त्री को माता मान लिया था, वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद्र हार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या ये हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी नहीं देखा, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया, तो लक्ष्मण ने कहा, ना हम जानामि के यूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादभिमंदना। मैं न तो हार को पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नूपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करके देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन का, काम को पराजित करना बड़ा कठिन है। अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे, तो जैमिनी ने 9वें स्कंद का ये श्लोक देखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है, क्या इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वान समपि कर्षति के स्थान पर विद्वान नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिख दिया है ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही हैं। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी है, चलिए आओ अंदर आश्रम में विश्राम करो।
सुंदरी ने कहा पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपको विश्वास आपका विश्वास कैसे करूं। तो जैमिनी कहने लगे मैं तो पूर्वमीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? ये तुम्हारी कुटिया है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने स्त्री से पूछा तुम्हारा विवाह तो हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा उसी के साथ उसका विवाह करूंगी, और मैंने भी पिताजी से कहा है आपके दामाद का मुंह काला करके उन्हें ले आऊंगी। जैमिनी ने सोचा चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े किंतु ये सुंदरी तो मेरी हो जाएगी ना, वे सब कुछ करने को तैयार हुए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवारी कर लिया और वह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे, उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षतिया ना पकर्षेति। अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई, उन्होंने व्यास जी से कहा आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी असावधान नहीं होना, असावधान हो गए तो काम से पट चढ़ जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए, उस सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भर्तृहरि ने भी तो कहा है विश्वामित्रो पराशर प्रभतयो पाताम्बुज पर्ण नास्तेति श्रीमुखाम्बज ललितम दृष्टेव मोहं गता सर्वं स्वकृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तते सागरम्। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया तो जीव का लालन पालन करने वाला, सिनेमा के अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो ये निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। बेलपुरी और फुरसाना भुजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है हरिनो मार्ग जय सूरनो नहीं कायरनो काम, हरि को मार्ग सूरवीरों का है कायरों का नहीं। श्रुति भी कहते हैं नायमात्मा बलहीने न लभ्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुखिया केस कभी घूर घूर कर मत देखो, आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा ओम भगवती भिक्षाम देही, में पार्वती जी की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है, तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी से भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र और दंड है, कमर पर मूंज मेखला है, बगल में मृग चरम है, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। इसी अपरिचित व्यक्ति के सन्मुख अनायासी नमन हो जावे तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। हम अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे, ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता है। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगे आज ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया, क्या साक्षात सूर्यनारायण तो इस रूप में नहीं आ गए हैं, ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था कोपी नवंतम खलु भाग्यवंत, जो लंगोटी पहनता है जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वदा अधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वो भाग्यहीन है। इसे अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे, यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया और इस महा तेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य से सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है, क्षत्रिय बल से और वैसे धन संपत्ति से सम्मान पाता है।
सुंदर में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करे फिर भी उन्हें कथा में भी अपने कथा में भी आगे आसन दिया जाता है, देर से आने पर भी आगे बिठाया जाता है। ये मान सेठों का नहीं लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग ही हो गई हैं। ब्राह्मणों की दिवाली राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटू का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया है। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रतनमाला। रतनमाला बटुक के सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी, जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वो कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चल के जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो गई। रतनमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बन के आई और जिसे कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न तो किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़ी पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको समर्पित करके मैं वनवासी बन के ईश्वर भजन में लीन हो जाऊँ। वामन जी ने मन ही मन कहा, हाँ मैं सब कुछ लेने के लिए तो आया हूँ। और उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए उन्हीं संकोचों के मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन, संपत्ति आदि जो मांगोगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दुराई। सुखदेव जी मनन करते हैं, राजन अतिशय आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान मान भक्त न कोई हुआ है न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर करके प्रकट होना पड़ा। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है, मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, अपना आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था। तो आपके पिता ने अपना आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा, ये बटुक लगता तो है 7-8 बरस का और बातें कर रहा है मेरे पिता पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है। वामन जी ने कहा, जी मैं तो 8 बरस का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता था। मैंने तो अपने बड़ों से कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं है। आप में अपने प्रपिता में हिरण्यकश्यपु सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पिता में प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी है। तीनों पितरों के गुण आपने एक ही साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी को कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नापकर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा, ये बालक मांगना भी तो नहीं जानता है। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं किंतु थोते ही हैं। ये कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा। मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। और ये जगत प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ये अपमान होगा। और मैंने ये तो आपको देखते ही जान लिया कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ आप लोग भी नहीं हैं, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य है आप तो ऐसे ही कहेंगे,
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं राजन, आप तो उदार है, किंतु मुझे भी तो मांगते हुए कुछ सोच लेना चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के पांचवें हिस्से का दान देना चाहिए। अब मनु महाराज ने दसवां अंश का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता है, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी भीख मंगा मात्र भीख मांगने के लिए नहीं आता है, उपदेश देने के लिए आता है। भिक्षुकानेव भिक्षन्ति बोधयन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। कौन सा उपदेश देता है कि मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई। तुम भी नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरी जैसी दशा होगी। तो हे राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसे मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उठो यहाँ से, मेरा है बरामदा। मूर्ख है वो, क्या बरामदा अपने साथ ले जाएगा? तो इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं, ये यदि मनुष्य जान ले वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए, क्या पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत पर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत पर तेरे झोली, ओ भगत पर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर Oh।
मन भगवान महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन जी बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा तो कर सकूंगा, तो मैं तो इसका भी पुण्य मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम पर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा बैरागी है ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ फिर भी नहीं लेता है। वामन जी से वे कहने लगे, वामन जी से वे कहने लगे महाराज, जैसी आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि में आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग लें, अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम पर भूमि दीजिए। बलि राजा 3 कदम पर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गया, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, अशीघ्रता मत करो, देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायणी आए हैं बामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों के नाप में समा जाएगा, 3रा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं तो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोच के संकल्प करना, ये वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो किंतु विवेक पूर्वक, इस बालक के कदम कैसे होंगे वो तुम नहीं जानते हो। दान ऐसा न दो कि तुम्हें दरिद्री हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी इस धरती का आधार है। बलि राजा ने पूछा, दान नहीं देऊं तो? शुक्राचार्य ने कहा, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। ये वामन तो विराट रूप धारण करेगा, देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो, सर्वस्व का नहीं पंचमांश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्ध अवस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो, इससे संतान से मांगने का प्रसंग ही ना आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वो तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। सो 3 पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया, किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो आना दो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया, तो उस मित्र ने कहा, उसे कहा कि मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगा कर मैं तुझे भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखा कर पुत्रों से कहना कि अब इस थोड़ी सी बची कुची पूंजी को लेकर मैं हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बुड्ढे ने पुत्रों से यात्रा करने जाने की बात कही। अब तो मैं बुढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ और तीर्थ स्थान में कुछ निवास करूँ। किसी पुत्र ने पूछा, कहाँ जाएंगे? बुढ़े ने कहा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, ये संदूक कहाँ थी, क्या है इसमें? बुढ़े ने कहा, ये संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ी थी, होंगे इसमें 10-15 हजार रुपये। संदूक था अभी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अभी पिता के पास पूंजी है, बस फिर तो क्या था। सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे, मेरे साथ रहो, आप अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता है। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट है उसका उसे दुख नहीं है, उसे बुरा दिखे इसका ही दुख है। वो कहता है बुरा, वो करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है कि अच्छा दिखाई दे। सारा परिवार उस बुड्ढे की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक इस संदूक की चाबी कभी किसी को नहीं देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत कुछ छोड़ गए हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियां को हस्ती खेलती देखकर सुख संतोष से गए हैं, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। पुत्रों ने दिल खोल के उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा था सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे, अंत में वो पेटी खोली गई तो उसमें से तो मात्र पत्थर ही मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुरन स्वार्थ लाग कर सब
किया, जैसे शुक्राचार्य ने कहा वामन के तीन कदम के नाप कर, तीन कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, तो तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले मैंने तो वचन दे दिया, अब मना कर तू असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा विपत्ति के समय का सत्य भाषण सम्य है, सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु ऐसे समय में वो क्षम्य है और शायद स्तुत्य भी है। इन चार प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना जाता है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा है कि न तू गुप्त धारियती, स्त्रियों को शाप है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती है। जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु राजन तुम्हारे सिर पर प्राण का संकट आ खड़ा है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी से मना कर दो, ऐसे समय में वचन भंग करने में कोई दोष नहीं है। बलि राजा ने कहा गुरु जी आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया है, मैं तो वैष्णव हूँ, पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने के लिए आवे, अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों नहीं अपना सर्वस्व अर्पित कर दूँ, मैं वचन का भंग नहीं करूँगा। हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं, आपने बताया ये साक्षात विष्णु है बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे इष्टदेव विष्णु है, ये मेरे घर आज बाल स्वरूप में दान मांगने के लिए आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्योछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं, जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, अतवे तुम्हारे सिर पर पाम रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले मुझे नरक का कोई भय नहीं है, पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा है। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों ना झेलने पड़े शांति मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो, धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूँ, आज मैं सर्वस्व दान करूँगा और देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा, चाहे दान करने से जाना पड़े, मैं तो भगवान का हो जाऊँगा, भगवान का बन जाने के बाद नरकवास करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु भगवान का आह्वान किया जाता है और यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आ गए हैं। गुरु जी मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान करूँगा, जी विश्वासघात कर सकता है किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं, मैं प्रभु का हो जाऊँगा वो मेरे, फिर मैं जहाँ जाऊँगा वे भी मेरे साथ आएंगे, नरक में भी आएंगे। तुकाराम ने कहा चाहे गर्भवासी होना पड़े चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है तुका माने गर्भवासी घालामा आमावी, मैं जहाँ भी जाऊँगा विट्ठल ना साथ साथ आएंगे। गुरु जी हरेक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हो अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रीताम न मम, आप सारा कर्म कृष्णार्पण कराते हैं, अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं, आप संकल्प कराइए, कृपया दान का संकल्प कराइए, अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी ने कहा राजन आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ संकल्प कराना भी जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दे दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे, उन्होंने जल पात्र से हाथ में जल रखने को कहा, शुक्राचार्य से देखा नहीं गया, उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जल पात्र की नाली के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया, उनके वहां बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच बामन जी की समझ में आ गया, उन्होंने दर्प का एक तरण लेकर जल पात्र की नाली में डाला, ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं, वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आंख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है ऐसी दृष्टि से देखो, यही संभव है, एक ईश्वर सभी में है ऐसा देखना ही समता है, एक ईश्वर अनेक रूपों में, एक ईश्वर सभी में है अनेक रूपों से क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भाव से देखना ही समान भाव है, दो आंखों से देखना विषमता है, एक ही आंख से समदृष्टि से देखो, कुछ भी कपट भाव मन में मत रखो। भगवान स्वयं मांगने आए हैं फिर भी शुक्राचार्य के मन में भेद भाव नहीं गया, ये मेरा यजमान है ये भिक्षुक है, ऐसा भेद भाव उनके मन में था, उनकी एक आंख फोड़ दी गई।
अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं, परमात्मा सोचते हैं दोनों आंखें फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो और सभी कुछ निहारो, दो आंखों से दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक बाधा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी और ये वहां से हट गए। और आंख के विकृत होने पर नाम भी बिगड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आंख दृष्टि बिगड़ी तभी तो उसका नाम भी बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है, रामचंद्र ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ो, सभी में भगवान का अंश ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, दो आंखों से देखना भी समता है। गीता जी में कहा गया समतम योग उच्चते, सर्व के प्रति समता रखना योग है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। बोलो विराट भगवान। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया, सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। जगत के बाहर ऊपर 10 अंगुल है। 10 अंगुल का अर्थ शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है, वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। सो निषेधात्मक रीति से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता कर पाता। भगवान वंदनीय है, चिंतनीय है, वे अपनी कृपा से अज्ञान को दूर करते हैं तभी उन्हें जाना जा सकता है। प्रभु एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई, दूसरे चरण ने ब्रह्म लोक को व्याप्त कर लिया, तीसरे चरण के लिए स्थान ही नहीं बचा। उस समय सारे देवते युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, बोले कि हमारे स्वामी को छला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया ये समय प्रतिकूल है, शांत रहो नहीं तो तुम ही मारे जाओगे। वामन जी बोले राजन तुमने संकल्प किया है कि 3 चरण जितनी भूमि दूंगा, अब मैं 3रा चरण रखूं तो किधर रखूं। संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता है, तुम उससे छलना कर रहे हो। जरा सोचो तो इन प्रसंगों में कौन किसके साथ चलना कर रहा है। भगवान दान लेने आए तब 7 वर्ष के बटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर बैराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था वो निष्पाप है फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। बलि राजा निष्पाप था, सो भगवान ने उसे उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते हैं, मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या ये योग्य है, आप ही निर्णय करें। वामन जी ने उत्तर दिया तुम पूर्ण निष्कामी नहीं हो, निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा की आज्ञा दी गई तो तुमने इनकार कर दिया था, मैं विष्णु की पूजा करूंगा, गणपति भी तो विष्णु ही है, किंतु तुम नहीं माने, ये तुम्हारी भेद दृष्टि थी। और जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो भाई तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया, तुमने गणपति की पूजा तो की किंतु पूज्य भाव से नहीं की। गणपति ने मुझसे प्रार्थना की मैं तुम्हें तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपति महाराज विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है, अब मैं 3रा चरण कहाँ रखूँ बोल। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गया। उस समय सत्वगुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी ये सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है, इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर तो कैसे हो सकता है। शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है, जीव व्यर्थ ऐसा मान बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी अपनी है, वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है, गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्र, गीता की समाप्ति मम शब्द से की गई है, गीता का अंतिम शब्द है मम। इन 2 शब्दों के मध्य में समाई हुई है सारी गीता। मम का अर्थ है मेरा, मम धर्म मेरा धर्म, धर्म अर्थात सत्कर्म, मेरे हाथों से जो भी सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा नहीं है। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना साथ जाएगा, जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा अपना होगा। धृतराष्ट्र ने कहा था माम का ये मेरे पुत्र हैं, इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। अर्जुन ने भगवान से कहा था शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका हूँ आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा, उसके रथ को भी चलाना पड़ा। मनुष्य ये नहीं जानता है उसका अपना क्या है और उसका अपना क्या है और क्या नहीं है, फलत्व वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वो ये समझ पाए कि वास्तव में उसका क्या है तो सारे टंटे विषाद सब मिट जाएंगे। और द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख भी है या आत्मान जैसी भी कोई वस्तु है ये मनुष्य जानता ही नहीं है। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है, वो जीव नहीं प्रभु, ये जीव अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है,
ये जीव नहीं है, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनि में है। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर कैसे हो सकती है। यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहां नहीं चल सकते हैं। वो कभी ये कभी मत भूलो कि तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही है। फिर भी जीव मेरा मेरा करता है। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं, और जो तेरा तेरा कहता है उसे भगवान ताड़ते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु ये तो आपकी लीला है, आपको कोई क्या दान देगा। मेरे पति ने अभिमान बस दान देना चाह और दिया, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व के स्वामी आप, इसी कारण से वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। प्रभु मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई है। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान था वो अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया। इस अभिमान को दूर करने के हेतु से विंध्यावली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान को कौन क्या दे सकता है, उन्होंने जो दिया था वही उन्हें देना है। ये शरीर बच गया है जो मिट्टी का है, भगवान से कहिए वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर रखें। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियां भी तो कहती है, सिर सिधे न सीकर ग्रहम। गोपियां गोपी गीत में भगवान से कामना करती है कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है? गोपी इंद्रिय भक्ति रस विबती सा गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो, अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलि राजा ने भगवान से कहा, पदम तृतीय कुरु शेषणम मे निजम। मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया हुआ होता है। उसको नष्ट करने के हेतु ही आपने मस्तक पर चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की है। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोधक काम ही है। मैं ठीक तरह से कह न सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही जो है वो आपको दे रहा हूँ। अपराध क्षमा करो। सचमुच आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आँखें खोल दी है। और इतने में बलि राजा के पितामह प्रहलाद जी का वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पुत्र को दिया हुआ इंद्रपद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह किया है। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो वंदन करता है वह प्रभु को भी वंदन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन अहंकार अभिमान का अर्पण यदि दाता दीन नहीं बनेगा उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा के हृदय में जब दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया तो मैं तुम्हारे ऋणी हो गया हूँ। नम्रता दैन्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज्य दिया किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारी प्रत्येक बार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आँखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा ये स्वतल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा है। बलि राजा के गुरु शुक्राचार्य हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा वीर और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो संयमी है उसे कोई मार नहीं सकता है। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि को तो मारा था किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे आंगन में आएंगे। बलि बलवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर को मारता है वही बलवान है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आखड़े हो जाते हैं। शारीरिक बुद्धि और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने अन्य सभी बल गौण है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बलों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता है, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव के पदार्थों को प्रेम छोड़ता है।
परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे तभी तुम बलि बन पाओगे, तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था तब वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली, मार्ग में उसका बालक रोने लगा, माता ने उसे कुछ खिलौने दिए फिर भी वो रोता ही रहा, वो माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई तो स्त्री कथा में नहीं गई, वही बालक युवक बना, विवाहिता भी हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोके तो माता नहीं मानेगी, वह कहती है अब तुम्हें मुझ पर वह प्रेम नहीं है, युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा पूरा प्रेम था, तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे, जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं। परमात्मा जब बाट पर पधारते हैं तो तीन वस्तुएं मांगते हैं, वे तीन कदम पर पृथ्वी मांगते हैं, तथा जीव मात्र से तन मन और धन मांगते हैं, इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, मन से सेवा करने से अहंकार घटता जाएगा, धन से सेवा करने से धन की माया ममता मोह नष्ट होने लगेगा, मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता, तन मन धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है, जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की है, उन्हीं को अर्पण करनी है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हें देना है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुमभ्येव समर्पयेत्। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं, ऐसे दाता के शरीर के प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं, इन सभी के द्वार पर राम का पैरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है उसके शरीर और इंद्रियां की भी रक्षा करते हैं। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे, ऐसे व्यक्ति के कानों में आंखों में हृदय में कन्हैया का वास होगा। तीन चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा, ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होगा और तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से सेवा की जाए किंतु मन से न की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ तन से संबंध जोड़ना है, मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है तब प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। सत्वगुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है, मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन भी सेवा में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है, ईश्वर के साथ संबंध हो जाता है, जो थकावट दूर होती है ज्ञानी ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया तो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था, मैंने बहुत कुछ दिया है, अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई, सब कुछ विधिपूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। भगवान से कहो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, मैं भक्ति रहित क्रिया रहित मंत्र रहित हूँ, मेरी कुछ भी भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दयनीय ना आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे लगोगे। बलि के मन में दयनीय आया तो सेवी को सेवक बनना पड़ा, प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती है उसकी उन सारी इंद्रियां में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर की भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया, प्रत्येक द्वार पर शंख चक्र गदा पदमधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वाले की आंखों और कानों में प्रत्येक इंद्रियों में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं तो वामन जी ने कहा पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और ये स्वामी है। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी जो समुद्र के किनारे जा पड़ा। रावण काम है तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान की चौकीदारी
भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वो बंधन में फंसता है। वामन जी मन सभी को आनंद हुआ किंतु माँ लक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। ये सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकलोहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए, सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई, घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएगी। जहाँ भगवान होते हैं वह लक्ष्मी जी आ ही जाती है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी आमंत्रण के बिना भी आ जाती हैं। तो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान के ही पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ, जगत में न तो मेरा कोई भाई है न तुम्हारे कोई बहन है, आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी हो और तुम मेरे धर्म भ्राता हो। बलि को आनंद हुआ, उसने लक्ष्मी को वंदना किया। उसे दुख था, आज तक उसकी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था, उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़े हुए एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया, लक्ष्मी ने राखी के दिन पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो जी में आए वो मांग लो, जरा भी संकोच मत करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर में न हो। लक्ष्मी जी ने कहा वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है किंतु एक वो नहीं है कि जिसके बिना मैं बेचैन हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उनसे उनको मुक्त कर दो। बलि राजा ने कहा, क्यों, क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो मेरे नारायण है, मेरे सर्वस्व हैं और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुज आचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पाठोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मण यमुना ग्रहामि तद्विशो विदुनोम्य होम यन्मद पुरुषस्तबद्धो लोकम माम नम मन्यते। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है, मेरी और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पुत्र बलि को आपने इंद्रपद तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया था वो छीन के लक्ष्मी भ्रष्ट किया, ये उस पर बलि पर कृपा करने के हेतु ही किया है। इस परम पवित्र वामन चरित्र की कथा समय अनुसार यथामति कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है, रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना की नाश के लिए उपाय बताए गए हैं। माँ प्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ, ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कुरम या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते हैं। परमात्मा कुरम बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। ये नदी त्रिवेंद्रम की ओर है, वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है और भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। और जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में तथा आपकी शरण में आया हूँ, नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, तो आप मेरी रक्षा करो। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया ज्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वो विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा।
उन्होंने सोचा अवश्य कोई असाधारण मत्स्य है, वस्तुतः वृत्ति ही मत्स्य है, वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वो ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरा पन हम एक ही स्थान में नहीं रह सकता है, नहीं समा सकता है, मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यतीत नहीं कर सकती है। मानव भगवान को इससे कोई संबंध नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत का पाठ करे, चाहे चोरी करे, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति स्वभाव होगा न कुभाव होगा। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव आप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईश्वर न तो निष्ठुर है न दयालु, ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है, इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे हैं, ईश्वरी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी है। ईश्वर का दीपक सा स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करें, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है, अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए ये जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि जलाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए प्रकाश देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन कोई मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरा कल्याण करने के हेतु आया हूँ। आज से सातवें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे, पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। व्रत्यु को ब्रह्माकार बनाओ, सत्य व्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीवी सत्य व्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण उनके हाथों में आ जाते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते हैं। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सिंह है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरु अष्टकी कहा है। इस मत्स्य नारायण की कथा को जो कोई पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया, मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस आठवें सुन को समाप्त करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भैरालु नम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारु नम कंदर्प गणित पित चरिनम नीलनीरज सुंदर पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि मोहि जगत सुचावर भज
सौभिज्ञ स्वराट देने ब्रह्म हृदया यादि कवयो मोहन्ति यत सूर्य तेजो वारिमृदा यदा विनिमयो यत्र ति सर्गो मृषा नामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था, शिष्य का अधिकार बतलाया गया, जिसका अधिकार सिद्ध होता है से संत मिलते हैं, मृत्यु सिर पर सवार होने वाले हैं, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आ गया और वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्धि हो पाए, विलासी जीवन का अंत आवे और भक्ति सिद्ध हो पावे तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वो संत बनता है, उसे अपने आप सदगुरु आ मिलते हैं, संत के घर ही संत पदार्थ हैं। तुम संत बनोगे तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीलाई, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में स्वर्ग विसर्ग लीला वर्णित है, इसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जा सके, ये ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब वो क्रियात्मक सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवां स्कंद स्थिति लीला का है, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी, ये पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है, जो साधन करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर निमग्न होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं खा पी कर हष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो ये बताता है कि ठाकुर जी के बिना में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, इंद्रियों को भक्ति रस में सरोबार कर दो, वैसा करने पर इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना के वेग में बह जाए, मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग न करें और वासना के वेग में बह जाएं तो पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट बन जाता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए वो पुष्ट नहीं बन पाता है। सातवें स्कंद में असद वासना को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद वासना लीला का है, प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना जागती है, जो कुछ है उसका मैं अपने सुख के लिए उपभोग करूंगा ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था, मुझे जो सुख मिला वो प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वो सज्जन तो है किंतु संत नहीं है, वो स्वयं दुख उठा करके अन्यों को सुख देता वो संत है। रासलीला भागवत का फल है, रासलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है, दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया, हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया इसलिए वो दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्वासना है, हिरण्यकश्यप की असद वासना है, सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है, किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वो देव है और जो दुरुपयोग करे वो दैत्य है। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं किंतु अज्ञानी जीव उनका दुरुपयोग करते हैं इसलिए वो दुष्ट बन जाता है। सातवें स्कंद में बताई गई वासना का चार उपायों से नाश हो सकता है। आपत्ति में दुख में हरि का
भगवान का स्मरण दृष्टान्त गजेंद्र संपत्ति की इस अवस्था में सर्वस्व का दान बलि राजा की भांति इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन दृष्टान्त बलि राजा। सभी अवस्थाओं में भगवान शरणागति, भगवान की शरणागति दृष्टान्त सत्यव्रत। सत्यव्रत भगवत सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वामन को वासना को नष्ट करने के चार उपाय हमने देखे हैं। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना है, किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलने में आनंद नहीं आ सकता है। वासना का विनाश करके निर्वासनिक होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आसरा लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। अष्टम स्कंद में संतों के चार धर्म बताए गए हैं, फिर भी सुखदेव जी को लगा अब भी परीक्षित राजा के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में लेकर रासलीला में जाएगा वह भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले जाऊंगा, किंतु यदि उसके मन में काम बाकी रहा होगा उसे वहाँ भी लौकिक कामाचारी दिखेगा, और जिसके मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी, उसे रोना आ गया, पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा, ये तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, किंतु रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा, वो नहीं जानता था कि ये कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण जीव और ईश्वर का मिलन। ये मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हो गया था। जो अतिशय निष्कामी है वो काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी है और जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बस वे काम का नाश हो जाता है, वैसे महात्मा ये कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता वैसे ही काम कृष्ण के निकट जा नहीं सकता। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नवे स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र है मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा, तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वह कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है, उसी के संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतुपूर्वक ही किया गया है। जो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे ही कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ये लीलाएँ हैं। इस नवमें स्कंद में दो प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी, उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में चार उपाय बताए गए। संतों के इन चार धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेकपूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद नवमा स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ये नवमा स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों के धर्मों को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसे आसानी से नहीं हो पाता है। मन के स्वामी चंद्र, बुद्धि के स्वामी सूर्य, सूर्य और चंद्रमा बुद्धि और मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मुँह का क्षय नहीं हो पाता है। मुँह के क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती है। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय ही है, ऐसा मानकर वे
भोग उपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, तथा श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता है। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, साधन साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण मिलन। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ये भागवत की कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्यों का काम है, कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार के विषय आते ही नहीं है उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के बारह उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाया है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल के बाहर करोगे तभी वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश हेतु यह नमाज कंद की कथा है, जिसमें बरसों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वो स्वच्छ तो होगा किंतु तेल की बास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो बिगड़ जाएगा। तो मनुष्य का मस्तिष्क ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा उसमें प्रेम रस जमेगा नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है, और जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुखरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आ बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी आचार बिगड़ जाते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वो अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को राजशिला में जाना है। मनुष्य के मृत्यु के पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही वासना का पूर्ण नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उनका रावण काम मरता नहीं है, और जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते हैं। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर 10वें स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वो राम की मर्यादा को भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते हैं। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादाओं का पालन किया जाए। उनका सही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो। उनका चरित्र सर्वदा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना, उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वो करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वो करना है।
राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्शमय दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय है। श्री कृष्ण जो करते थे वही सब कुछ करना हमारे लिए सके हैं। उन्होंने तो काली नाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था, गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से आरंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाट्य किया। साधक का बर्तन कैसा होना चाहिए वो रामचंद्र जी ने बताया है। साधक का बर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए, सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के हेतु हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं, उन्होंने किसी भी मर्यादा का भंग नहीं किया है। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र की सरलता तो अंतिम कक्षा की है, उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्ताव कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया, मेरे पति मेरे परमेश्वर है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, कृष्ण माखन चोर है, मधुमन के चोर हैं, वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है, कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे, एक मध्यान्ह में आए, दूसरे मध्य रात्रि को, एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचाना समझना सरल है किंतु कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। वह राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सुख संभाषणा के नाश हेतु नवे स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होंगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, बामन अवतार की कथा में लोभ नाश की, रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध लोभ और काम जब नाश इनका नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं। तो इसका कारण यही है कि क्रोध लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद की समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज और मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा मुझे सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते राजन, इस कल्प में राज श्री सत्यव्रत विवस्वत मनु बने और विवस्वान के घर विवस्वत मनु हुए थे। मनु विवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक है। उनका विवाह श्रद्धा नाम की स्त्री के साथ हुआ था। उनके दस संतान हुई थी। उनके नाम इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, करुष, नरिशंत, प्रसधन, नभग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुत नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था, बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हरे कार्य में पहले कुल गुरु का पूजन किया जाता है, अब क्या किया जाए। एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई संबर्त को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान ही है, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा संबर्त तो योगी है, उनका कोई पता भी नहीं है। नारद जी ने कहा उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति का भंग हो जाता है। संवर्तक योगी का नियम था कि 24 घंटों में एक बार वे काशी आते थे और महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्तक काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे, किंतु मार्ग में यदि कोई सबका दर्शन हो जाता तो उसे वे शिव रूप मानकर वंदना करके वापस लौट जाते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से ये कथा कही गई है। मरुत राजा सब लेकर रात को मार्ग में बैठ गया। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सबको देखा तो वंदन करके वापस लौट
लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि यही संवर्तक योगी है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्तन कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। संवर्त से कहने लगे कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत ने कहा आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं, आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं, बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ नहीं करवाता है। संवर्तक ने कहा, मैं यज्ञ तो कराऊंगा, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार है और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। जब ऐसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार किया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी, यज्ञ का आरंभ होने चला। यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा का वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हो गए। उन्होंने राजा को संदेशा भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ करवाने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेशा भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वो वहाँ उपस्थित होता है और वो देव प्रत्यक्ष हवीर भाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा न तो कभी किसी का हुआ न कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है, भागवत में तो यहाँ संक्षिप्त में ही वर्णित है। मनु पुत्र नभ के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। काकरौली में विराजमान द्वारका नाथ राजा अम्बरीश के सेवी ठाकुर जी हैं और रोज वे बावन मन भोग रोकते हैं। कितनी सामग्री इकट्ठी करनी होती है। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी देखिए, अम्बर अर्थात आकाश, ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है बाहर भी है, जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। राजा अम्बरीश महान भक्त थे, उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में, दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देह अभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ है तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे, तस्मात कारुण्य भावेन रक्ष परमेश्वर। सेवा में धन नहीं मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेवे श्री कृष्ण में मन को पिरोई रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया, सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है, वो जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता है। मन को मनाओगे तो मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारका नाथ है। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भोजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। चार काम स्वयं को करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वो प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता था। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु एक वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके दो प्रकार है, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अनाहार से दोष न हो इसलिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दसवीं के दिन एक बार भोजन करें, हो सके तो हविष्यान का भोजन करें, दूध और चावल का सात्विक आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करें।
एकादशी तो यदि सक्य है तो निर्जला ही की जाए, ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें, ऐसा करने पर ही व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे, एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे लकड़ी काट कर बेचने वाले की बात आती है, जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया, ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न आया तो क्या, उसका दर्शन तक नहीं किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है, ये सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुंचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी नहीं खाई जाए, दिन को सोया भी नहीं जाए, रात को एक दो घंटा भजन अधिक करें। इस दिन पंडरपुर में विट्ठलनाथ जी भी नहीं सोते हैं। पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में ग्यारह रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप ही बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिलेगा। उपमन समीप और वास मन रहना, उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो, सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन दो बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो, यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अन्न आहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं किंतु व्यास जैसे मान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं करते हैं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन करवा ले तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र एक दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी न करने वालों को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्य करनी पड़ती है। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए, वहाँ उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगा। इतने में वहाँ मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आ गए, भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्यान्ह कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ, ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान विस्मृत होने पर ये धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया, उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता, यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा का भंग होता है और ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ पल शेष है, ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया, दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया, मैं अतिथि और मुझे भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया, ये कैसी तेरी विष्णु भक्ति है। राजा ने कहा मैंने तो केवल जल पानी किया है महाराज, किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे, उन्होंने क्रोधावश राजा की एक भी नहीं सुनी और जब तक दुर्वासा है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर के केस में से कृत्या उत्पन्न की, उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला, मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे किंतु चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा, दुर्वासा की रक्षा कोई नहीं कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ, मैं भक्ताधीन हूँ, मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है, भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से भक्त के
आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मी की परवाह करता हूँ। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे कभी इच्छा भी नहीं करते हैं। मैं भक्तों का हृदय हूं और भक्तजन मेरे हृदय हैं। भगवान कहते हैं, ये दारा घर पुत्रानाम प्राणान भित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता पतम तास्त्यक्तुम उत्सहे। पत्नी अपनी पत्नी पुत्र घर स्वजन धन ये लोग परलोक प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं उनका त्याग मैं कैसे करूं? मई दिवंद्वय हृदया साधवा संदर्शनम वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सात्विस्त्रिय सत्पतिम यथा। भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं, साधु हृदय महा साधु नाम हृदय त्वम, मेरे भक्तजन मेरे हृदय में है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे यदि बिना विवेक का सहारा न हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी है और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया है। आप ही तो जरा सोचे, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने अमृत के पालन हेतु ही मात्र जलपान किया, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए, उसे प्रार्थना करके क्षमा मांगे। यदि भक्तराज अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना करने के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे। राजा ने कहा, नहीं महाराज नहीं, आप वंदन करें ये शोभास्पद नहीं है, प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ, यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है उन सबके पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर के वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है, मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं ओछे हैं, ऐसे दुर्भावना दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं ऐसी भावना भी दुर्वासना ही है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध, क्रोध कृत्या कर्कशवाणी को उत्पन्न करती है। कृत्या कर्कशवाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने के लिए आ जाता है। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है, ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो वो कर्कशवाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशवाणी आती है तो वैष्णव उसका दान उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वो सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशवाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होंगे। कर्कशवाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था, और ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशवाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। और जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वो अम्बरीश हैं। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान ही मानता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता है। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा, हम भक्त पराधीना। सभी के प्रति संभाव समता रखे वो ज्ञान है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरकों में गए पट बट चारों ही भेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे तो अम्बरीश न तो दुर्वासा के क्रोध से व्यतीत हुए न उनकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखता है बल्कि अपना ही दोष बार बार देखता है। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं हुई है,
जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है, और जो मानता है कि जीत अपनी हुई उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अमरीश जैसा राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय लगता है। धन्य राजा अमरीश को कि वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी वनवासी होने के बाद सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते हैं सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि वह अमरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अमरीश घर में बसकर भी द्वारकाधीश के साथ है, निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को पतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता, भक्ति भगवान को बांधती है, पतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्म अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते हैं, पराश्रय नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य संतान, जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आते हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, उसके वंश में मानदाता हुआ। इस राजा मानदाता की 50 कन्याओं का विवाह सोबरी ऋषि के साथ हुआ था। सोबरी तपस्या करके सिद्ध बने। सुबह दर्शनार्थी जनता की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है, तो सोबरी सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहाँ जल में तप करने लगे। सोबरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती है। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल के प्रेम कली देखी तो उनके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्ध अवस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मानदाता के पास आए। राजा ने सोचा इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो जीवन भर दुखी होगी, और विवाह न होगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा आप राजमहल में पधारिए, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है अंगम गलितम पलितम मुंड दशन विहीनम जातम तुंडम रथो याति भई त्वादं तदपि न पुंजति आशा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसी गोबरी के मन में विवाह भावना जागी तो ये स्वरूप बदल कर गए। वैसे थे सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से कर दिया। सोबरी सुख भोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं ये कैसा अनर्थ कर बैठा, मैं था तो तपस्वी किंतु मत्स्य दंपति की प्रेम कली को देखकर मति भ्रष्ट हो गया, विलासी बन गया। जो साधन करना चाहता है वो इसी जन्म में शादी की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग नहीं करना चाहिए। काम सुख के भोगता का संग भी कुसंग ही है, स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। ये स्त्री पुरुष संबंध की नहीं काम की निंदा है, संग के रंग की ये घटना है। सो की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग न करे। मुक्षुम मिथुनम व्रति नाम संगम त्यजेत, नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। स्त्री नाम संग संगी नाम संग त्यजेत। सोबरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है, मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी नहीं करना। इसके बाद सगर नाम का चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया। उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो इसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेजो अग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा उनका उद्धार गंगा जल से हो सकता है, यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तप किया। तीन पुरुषों का पुण्य एकत्रित हुआ तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्रित होने पर ज्ञान गंगा
का अवतरण होता है। बगीत राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रभावित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करते हुए पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सदगति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा का वो अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया है तथा उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ है। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई है। गंगा जी नारायण के चरणों में तो शिव जी के सिर पर है। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नाम का राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना दो घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी। उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया। उसे सदगति मिली। इस प्रकार मात्र दो घटिका 39 मिनट में खटवांग ने आत्मा कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घ बाहु राजा हुआ। उसके बाद हुआ रघु महाज्ञानी उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का धोती तक का त्याग करके और उनकी धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ याग किए और जो भगवान के वंश को संबंध को संभालता है उसको अपने वंश का कभी नाश नहीं होता है। राजा रघु के घर अज नाम का राजा हुआ। अज के बाद दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तो आया इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर पूजा के बाद आना, मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजन के लिए आए थे तो वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो पिशाचनी रो रही है। वो कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, तो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के साथ साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पापी जी व्यतीत हो रहा है, मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रश्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होंगे और ये पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर में आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया, अतः अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए हैं। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा केकई भोग पत्नी थी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्रकाष्ठ यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्रकाष्ठ यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से शीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आप यहाँ दिव्य संतान होगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्म पत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का 1/2 भाग देना और बाकी रहे प्रसाद को केकई सुमित्रा में बांट कर दे देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में केकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज तो उसे कर्कशाही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही केकई है। केकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया, उसे प्रसाद बाद में क्यों दिया गया, अंत में दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समरी गई जैसा पक्षी उठा के ले गई और एक पर्वत पर आई। वहाँ अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समरी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। अब केकई को प्रसाद गमाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद में से कुछ अंश केकई को दिया। सुमित्रा ने भी केकई को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं है वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति का प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अस्त्रों को नियंत्रित करके
शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को उसमें रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वास गाती है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र जी की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप से आते हैं। दशानंद रावण विषयों के अमर्यादित भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। 10 जीवात्मा है, 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसी के यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है वो तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सह सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, इच्छा ही तो दुख का कारण है, मुझे सुख की इच्छा ही नहीं है। मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ध्यान करने दो। दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी कौशल्या तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो शुभ चिन्ह है और नव मास परिपूर्ण होना है। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू में स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया, स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न है। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा इस स्वप्न के विषय में गुरु जी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ के पास आए। वशिष्ठ ने पूछा, आप इस प्रातःकाल में क्यों आए हैं? दशरथ ने कहा, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने ये भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। वशिष्ठ ने कहा, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है और मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में मिल जाएगा। राजा आनंद से झूमने लगा। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जय बिन राम जन्म बालक राम प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते हैं तब तक भगवान का जन्म नहीं होता है। परम पवित्र समय आया, चैत्र माह शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि मध्याह्न का समय। और भय प्रगट कृपाला
जय जय श्री रामचंद्र वध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, कौशल्या के प्यारे अवध के I
दशरथ जी रे द्वार नौपत बाज रही उत्सव होता है जब कितने आनंद में रहते हैं। घर में एक छोटा बच्चा हो जाए तो ये तो ठाकुर जगत करता है, उनके जन्म के उत्सव में हम नहीं खुश होंगे और ताली नहीं बजाएंगे तो कब बजाएंगे। तो जोर से खुल के राजा दशरथ दरबार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत एक बड़ाई सुवद जन आए भारतारे राजा दशरथ जी द्वार
दशरथ के घर साक्षात पर ब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए हैं, जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए हैं। अगुण रूप आलाप जो भगत प्रेम बस सगुण सो की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्विश रूप से प्राकट्य हुआ। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कह के पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा है, उनका चतुर्विश रूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे दो हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी ये शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नवलका हार दिया, मेरा नाम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में आ गए, आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी, लालो भयो है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के पुत्र जन्म, वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेके आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया, प्रथम गणपति की पूजा की गई, दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई दरिद्री नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया, दशरथ जी अंतपुर में आए। आज राम के दर्शन में सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गई है कि वे देह बांध भी भूल गई है, देह बांध भी नहीं है तो मान मर्यादा और लाज की तो बात ही क्या है, परमानंद हो गया। देव गंधर्वादी भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुख हुआ। राम लला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से स्तंभ होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ते ही नहीं थे। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करें, तो चंद्रमा ने राम से प्रार्थना की, इस सूर्य को कहिए वो आगे बढ़े, वो मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता है। चंद्र को रोना आ गया तो रामचंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुआ तो रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, किंतु भविष्य में मैं कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा और कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा तो तुझे ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्रमा। जो रात्रि के समय जागता रहे उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता है। जागने का अर्थ क्या है, जानिए तब जीव जब श्याम जागृति सहनी, ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की। और जो कभी
परमानंद प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसी समय में योगी जाकर प्रभु का स्मरण करते हैं। प्राणी जिस सांसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं वो रात्रि के समान ही है। वैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। वसुदेव जी देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति राज्य संतान सब कुछ छिन गया, निरअपराध होते हुए भी हाथ और पाँव में जंजीर लगा दी गई, फिर भी वह हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे। दुखों में प्रभु के नाम का स्मरण न करना, दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है, नल और राम जैसी विभूतियां के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या है। तो दुख से कभी नहीं डरना। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं की कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर का मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम को नियंत्रित करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि से लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या होगा। दशरथ ने बाल स्वरूप को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती है। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस लिया, दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम के दर्शन करने पर मैं तो वेद मंत्र तो क्या अपना नाम तक भी भूल गया हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, दर्शन में नाम रूप भूलने पर ही दर्शन का बड़ा आनंद होता है। ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र विदा विदा भवंती, ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। तो वशिष्ठ कहते हैं, मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। कौशल्या बालक राम को गोद में उठा के बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लला के दर्शन किए। किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है, जीव मात्र शांति का उपासक है। ऐसी शांति का जिसका कभी भंग न होने पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम के जीवन की मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है तो उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादाओं का पालन करने पर शांति, धर्म की मर्यादाओं का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती है। स्त्री और पुरुषों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकता है। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को मिल नहीं रही है। इसका यही कारण है, लोग धर्म मर्यादाओं का पालन करते नहीं हैं। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी नहीं तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र सूर्य समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, जबकि लोग तो थोड़ा बहुत रुपया पैसा अधिकार या मान मिल जाने पर अपने को लाट साहब मान लेता है। मुझे पूछने वाला और रोकने वाला है कौन, तुम्हें ज्ञान दिया है। धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन करने के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सद्गुणों के भंडार है। ये स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न तथा वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादाओं का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं, मेरा कहा तो मानता नहीं है, तो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है, उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता है। राम जैसा बर्तन होगा और राम नाम का जाप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ है। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा किंतु एक भी नहीं मिला। राम तो राम ही है,
मनुष्य चाहे किसी भी देवी या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे वो विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारका लीला में मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय है और अमुक चिंतनीय है, उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय है। वे सभी गुणों के भंडार है। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक और तो पुण्य करता है किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है, परिणाम मत उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद नहीं बने, हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए ले जाती है। तुच्छ है तुम्हारी पढ़ाई, जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रहती है। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं होता है और बंधन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें वंदना करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न हुआ, न है, न कभी होगा। ऐसो को उदार जग माए हो, ऐसो को उदार जग माए, बिन से मानो रम दीन पर, काम सरी से को कान नहीं होते हैं। कारण जानते हो इसका? शेष नाग सर्पों का राजा है, उसी के पंथ पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से शेष नाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा इसी में है, उसे कान दिए ही नहीं जाए। वैसे ये तो कभी कल्पना ही है, राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया, अपने से बड़ों का जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया किंतु बहुपत्नित्व को नहीं लिया। पुरुष यदि एक स्त्री पत्नी में काम भाव रखे और धर्मानुकूल काम उपभोग करे तो ग्रस्त होने पर भी वो ब्रह्मचारी है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु के लिए तो विवाह का आयोजन किया गया है, काम भाव को एक ही पात्र में नीत करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर है, संभव है गुरु में भी कुछ दोष हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की मर्यादा है, ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा ठीक ही हुआ कि तू मुझसे मिलने आ गया, तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएगी। हनुमान जी
ने कहा यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठा के इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं राम दूत हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है, मैं स्त्री हूं। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पातिवर्त्य भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बतलाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ के जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवाय अन्य किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवाय किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श न करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवाय किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श न करें, उनको दूर से ही प्रणाम करें। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर भी तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व दिखाते हैं, इसी हेतु वे प्रकट हुई है। राम सरल है किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना। केकई ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा माताजी, मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने के लिए तैयार हूँ। ये तो तुम्हारा मेरी और ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने मुझे ये वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोक में ये कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा को जीवन में उतारोगे तो राम नवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते हैं। हनुमान जी हर रोज सुनते हैं। इस राम कथा का 1-1 श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांट दिया। 1 श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इसे बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध बैर स्वार्थ वासना विषमता नहीं है वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब केकई के मन में विषमता स्वार्थ वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या को त्याग कर दिया। विषमता लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात बैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना अपना बैर भाव भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। बैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा श्लोक 1 है, उसकी इच्छा करने वाले 3 हैं। इस श्लोक में 32 अक्षर थे तो शिव जी ने तीनों को 10 अक्षर दे दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर तो शिव जी ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं ही अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर है राम। शिव ने राम को अपने पास ही अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जाप से सभी कष्ट दूर होते हैं, सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बता रहे हैं कि विष मैं पी गया फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झड़ता है। सो जो विष को नष्ट कर देता है राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा बैर व्याधि आदि विष ही हैं। ऐसे सांसारिक विष जब भी जलाने के लिए आ पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति है। शमशाने स्वा क्रीड़ा स्मर पिशाचा सचरा सीता भस्माले पर स्नग पिनक रोटी परिकर आमांगल्यं शीलं तव भवतु नामेव भगिनम् तथापि स्मात्रीणा वरद परमं मंगलमसी। भगवान शिव राम नाम अमृत का सदा पान करते हैं। तो वे शिव हैं, कहते हैं कि राम की कथा तो मैं कहता हूँ फिर भी ये मैं नहीं जानता वे कैसे हैं। शिव जी की ये विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करते हैं वही कुछ न कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। ये जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही
देते थे, वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है, यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा, तो स्वयं हार स्वीकार कर लेते। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं, दूसरे और धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे, यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला फिर भी उसने त्याग किया, बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे, सो स्वयं महल में न रहकर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा कर भी तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या की जगत के सभी महापुरुषों ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे फल पाओगे, जैसा भाव अन्यों के लिए तुम रखोगे वैसा भाव उसके लिए उसके मन में भी तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता है, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है, मान के बिल्कुल पीछे अभिमान खड़ा रहता है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानदा कहा गया है, भगवान मान के दाता है भरत के, भगवान मान के दाता है भरत के कई को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा का भंग नहीं किया, जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता से जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं था, कन्हैया ने सोचा कि रामा अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था तो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा, अब कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, तो काम का छोड़ दे और मुझसे खेला कर, यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है मुझे गोदी में बिठाए रहे, मुझे छोड़कर मत जाना, यशोदा बुद्धि को भी अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है, राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण की लीला में प्रेम। कन्हैया कहता है मैंने रामा अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया, मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया फिर भी जगत ने मेरी कदर नहीं की, सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी है, अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, जो भी जीव मेरे निकट आवे मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुलने हैं, जो चाहे सो आ सकता है, कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता है, एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया, ये सब कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमें छोड़ दे। तो कन्हैया कहता है मुझे तो मेरी माँ ने बांध नहीं सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है, मैं जाता हूं और जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता है, ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं अपनाते हैं, वेदी माया के प्रभाव में बहने भी लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है, एक गोपी ने देखा कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा छोड़ दे मुझे, तुम्हें अपने पिता की कसम है, अपने पति की कसम है। गोपी ने कहा नहीं मैं तो बांधूंगी, और उसने एक खंभे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा ढीला कर दे। गोपी ने सोचा जकड़ के बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा, उसने बंधन कुछ ढीला कर दिया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है दो संतानों की माता होते हुए भी जो बांधना नहीं आया, श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं, श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ, उसने कन्हैया से कहा मुझे छोड़ दे, तो कन्हैया ने कहा छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ, परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते हैं, वो उस जीव को अपने ही पास रखते हैं, ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं, और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते हैं। जीव स्वार्थी है, वो अपनाने के बाद भी छोड़ देता है, स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कन्हैया जब तुम्हारा प्राकट्य हो मुझे गोपी बनाना, प्रेम मांगना नहीं देना चाहिए, सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है, विकार वास्ता स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया, दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम की लीला में विशुद्ध मर्यादा है, कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता है, वो बांका बिहारी है, वो बांके के साथ बांका है, वो तो योगी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा था जगत मिथ्या है, सुवर्ण की द्वारका भी डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई, वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य थी कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसू से भींग जाते हैं। माँ योगी हंसते ही नहीं है तो उनको रोने का कोई प्रसंग ही नहीं आता है। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी है, भक्ति में दुराग्रह न रखो,
राम जी कुछ कम है ऐसा कभी नहीं मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण है। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सदगुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता है। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता है। फिर भी जगत को आदर्श निकालने के हेतु वे गुरु के पास विद्या अभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्या अभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य हो आया। उस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाए ये भी देखना चाहिए। बन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं, घर बाधक नहीं है किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित हो जाएगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाने पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वासना आदि को छोड़ो। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है, केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में रहूंगा, थाली में जो भी मिलेगा खा लूंगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, 16 वर्ष के हो गए। अब उस वे 16 वर्ष के हो गए हैं। उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होने जा रहा था। उसमें मारी सुबहवादी राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गया। दशरथ जी ने कहा मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा, ये बालक मुझे अपनी वृद्ध अवस्था में मिले हैं, मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतान मिली हैं। मुझे सब अत्यंत प्रिय है किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है, राम के बिना मैं नहीं रह सकता, उसे मेरी आंखों से दूर मत करना। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है, ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है न कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है, वो बहुत भोला है, मर्यादा का पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह सकते हैं किंतु राम के बिना दशरथ जी नहीं सकते हैं। फिर वे बोले गुरुजी मैं आपको ठीक ही कहता हूँ, मैं राम के दूर जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं अपना सारा राज्य दे दूं, अपने प्राणों तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर मत करो। सब सुते मारे प्राण सकता हूँ राम नहीं, जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र नहीं। राम जब वन में गए थे तो दशरथ ने अपने अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा मेरा राम कहाँ है, मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पंखे उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है, भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल
कोमल था। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल है किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया, काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोज ब्रह्मा श्रुति तुल्य वेदम जीतेन्द्रियम्बु धीमकाम्बरि वातात्मजम् वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन ही कौन कर सकता। माँ सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा आपने मुझे आशीर्वाद तो बहुत दिया फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। सीता जी ने कहा बस जो चाहे सो मांग ले। हनुमान जी ने कहा पहले जब मैं लंका में आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियाँ आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी, और राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियाँ बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूँ। सीता जी ने कहा अरे ये क्या मांग है तू, ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटा वह अपकार का बदला उपकार से देता है, वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण मुझे सताती थी। वो दुख तो मेरे ही कर्मों का था, मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूं, मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा माता जी आपकी सेवा ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई नहीं है, वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ में उनको पूर्ण विश्वास था, सभी सद्गुरु के आदीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं, इस वर्ष इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र ने विवाह के हेतु ही लेने के लिए आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ जी हर्षित हो गए, क्या मेरे राम का विवाह होगा, तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया, उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या के कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह का योग की बात बता दी थी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है, जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुणों से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर जैसा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है, दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वो भगवान को प्यारा नहीं हो सकता है। मां दान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है, मान दान श्रेष्ठ दान है, इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दान दो, जो कर्कशवाणी नहीं बोलता है, जो किसी का हित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर से मिठास आ जाती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वो दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए उस समय वे कितने सुभायमान थे। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जल जतनु श्याम समान पीतक चेवर बाता उचिर अब सहायक दुनु माता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय विश्वामित्र। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्र स विश्वामित्र, पाणिनि ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है, जगत का मित्र ही जीव है। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे परब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के बिना परब्रह्म
प्रकट नहीं होता है। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए, मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। ये सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है, वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने हेतु खड़े हैं। द्वारका में द्वारकानाथ खड़े हैं, कोड़ में रणछोड़ जी खड़े हैं, श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं, पंडरपुर में विठलनाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ, मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उसे मिलने को मैं आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा रहता हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से ही है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर हैं, किंतु ये अभागा जीव उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है? श्री राम अजान बहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं, उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे मैं बाहों में भर सकूँ, इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रख लिए हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम बांदर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं, वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राज्य आसन पर बैठे हो, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते हैं। उपनिषद में भी कहा है, प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओमकार की उपमा दी गई है। ओमकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं। काम लोभ मोह आदि राक्षस ही हैं, जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है से राक्षस मार नहीं सकते हैं। राम का स्वरूप अद्भुत है। सुरवण का राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर है, हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी कर रहे हैं। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए कि सभी द्वारों पर राक्षसों का इनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति वर्णन करते हैं, अग्नि भगवान का मुख है, परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जिभ्या है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल है। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है तो वे बाधा डालने आ पहुंचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वो ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है, इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारी सातों राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि न सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़ो, देव दर्शन करो, फिर भी यदि जीवन में संयम सदाचार सरलता न आ पाए तो जानो कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। राम परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य क्या है। राम की नकल करते करते राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने से सारा जगत मातृवत दिखता है। एक नाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय एक प्रसंग लिखा। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने कहा, जानकी को लेके युद्ध जो हो रहा है, कुंभकर्ण का तेरी इच्छा पूर्ण हुई?
रावण ने कहा नहीं, कुंभकर्ण का तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेगी और वे तेरे वश में हो जाएगी। रावण ने कहा इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है, मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ कि तुरंत मेरा मन बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है, जब मैं राम का रूप माया से धारण करके देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूप से दिखाई देती है, मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता है। तब कुंभकर्ण कहने लगा राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है, जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है उसका मूल रूप तो कितना अधिक प्रभावशाली होगा, अतः निश्चय राम परमेश्वर है, तो अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वरी है, ऐसे राम के साथ बैर करना ठीक नहीं है। देवादि देव से बैर करने वाला तू मूर्ख है, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता हूँ, विभीषण की भांति मैं भी राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण ने कहा मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ, यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी राक्षस तामसी हैं, वे जब तब ध्यान सेवा पूजा तो कर नहीं सकते हैं, रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है, यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना, जप कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है, विदुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध है, प्रायश्चित भी करना पड़ता है, साधारण ब्राह्मण नहीं अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकता है, बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निर्दिष्ट है, उपनिषद में यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति समय स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है, वो जप है जप यज्ञ। ये सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, आंख से दर्शन कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है, कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार है, इस यज्ञ में काम क्रोध लोभ मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारिच बाधा स्थापित करोगे तो काम क्रोध वासना रूपी मारिच स्वभाव विघ्न करने आ नहीं पाएंगे। आंखों में कानों में मुख में सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा दो, ऐसा करने से मारिच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा, मारी शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को शब्द ब्रह्म को परब्रह्म को आसीन करोगे तभी काम मारिस तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा, तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। माया मारिच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं, जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश होता है वह ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधराते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच विषय दोनों एक से हैं, तुरंत मरते नहीं हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आ गई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग माहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया, विश्वामित्र ने राम से एक के स्पर्श करने की आज्ञा दी, इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए क्योंकि जो साधक है वो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है। न स्पर्शेत बार नीव अपी, एकादश स्कंद के एक श्लोक में श्लोक का ये चरण है। राम ने कहा मैं इसको प्रणाम करता हूँ, विश्वामित्र ने कहा प्रणाम करने से तो कुछ नहीं होगा। राम ने कहा मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी होऊंगा। राम ने कहा राम पाप से डरते हैं, आजकल लोग पाप से डरते नहीं हैं, मन चाहे सो कर लेते हैं, पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा, पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध रहेगा। मैं परिस्त्री को बंधन करता हूँ, स्पर्श नहीं। राम परिस्त्री का और सीता परपुरुष का स्पर्श नहीं करते थे, जहाँ तक हो सके परपुरुष और परिस्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया, बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूली उड़ाई तो शिला पर जा पड़ी, फलत शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है, राम चरण की रज में ऐसी शक्ति थी अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि मात्र, काम सुख का विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर से बन जाती है, कोमल बुद्धि ईश्वर के पास जा सकते हैं, जड़ पत्थर से नहीं कोमल बुद्धि कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकते हैं। कृष्ण कीर्तन से आनंद नहीं मिलता है क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी जड़ हो गई है। जड़ बुद्धि चेतन में कैसे हो सकते हैं, जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी, जब किसी पवित्र संत की चरण की
चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चेतना युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनिया। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे श्राप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां गए, उन्होंने श्री भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आ गए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे, ये ऋषि कुमार है या राजकुमार है। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है। विश्वामित्र ने कहा, तुम तो महा ज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय कर लो ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, तो देह युक्त होकर विदेह धर्मों से अस्पृश्य है वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु है। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभव में विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधते रहते हैं, ज्ञान इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती है, ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते हैं। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रखकर काम करते हैं, वे कुछ करते ही नहीं है। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी और आकर्षित नहीं होता है, मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है, मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है, तो ये अवश्य ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता है। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा तक जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कह करके करते हैं, संकट जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वे ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा ये हैं। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं, तो लगता है कि ये ईश्वरी हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कर्ण मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम। शकुंतला ने कहा, मैं श्री कर्ण की कन्या हूँ। दुष्यंत ने कहा, तो मैं देखकर मेरा मन चंचल हो गया है, वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता के समान है, तो मैं देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो, मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाणम अंतःकरणस्य प्रवर्त्य, अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला ने कहा, आप पवित्र हैं, मान है, मेरे जनक है क्षत्रिय विश्वामित्र कर्णम, मेरे जनक है क्षत्रिय विश्वामित्र कर्ण ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं, मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था, आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा है। मुझे अब लगता है कि निराकार निसाकार का ध्यान करूंगा, ये राम ईश्वरी है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है, ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं, तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र है। जनक तो महाज्ञानी है, उनकी प्रशंसा गीता में भी श्री कृष्ण ने की है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए आरती। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो बीत गए दिन भजन बिना रे।
भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती शांति ब्रह्म शांति सर्वघौ शांति शांति।
महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामाय काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश्यं राज्यं महाराजाधिपत्यमयं समन्त पर्याय स्याद् सार्वभौमः सार्वायुः अन्तादात्पराधत्तप्ये समुन्नपर्यन्ताय एकराणिति तदप्ये स श्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्च अवसङ्ग्रहे आवेशितश्च कामप्रेर्विश्वे देवा सत्वासदि ॐ विश्वतः चक्षुरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोता विश्वतस्पा सम्बाहुभ्याम् धमति सम्पत्रे ध्यावा भूमि जयन्द देव एक नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तौ ग्रहाणापकरे मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गुरुवचने श्री गुरुवचनेश्वर जी महाराज की जय महाराज की जय श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम